अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो तुर्की के सफ़र से ही मुतालिक है और ये सफ़र चल रहा है कैपाडोसिया का। कैपाडोसिया या कैपाडोकिया, कैपाडोकिया की तारीख बहुत पुरानी है। कैपाडोकिया में दो अंडरग्राउंड सिटीज़ मौजूद हैं, एक डैरन कोयो कहलाता है और एक के मकली। के मकली वो इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं है, लेकिन डैरन कोयो जो है इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। कैपाडोकिया की हिस्ट्री के मुताबिक तो बहुत कुछ लिखा गया है, तो वो मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता, लेकिन बुनियादी तौर पर इस ज़ेर ज़मीन शहर को बसाने का जो सबब था वो ये कि एक कॉन्फ्लिक्ट था रोमन्स में और क्रिश्चियनिटी में। रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी पे, ईसाइत पे हमले किए और इस पर कदबन लगा दी। क्रिश्चियंस ने रोमन इन्वेजन से बचने की गर्ज से ये शहर तामीर किए और ऐसे तामीर किए कि दुनिया आज भी हैरान है, अंगुश्त बदंदा है कि ये उस दौर के इंसान ने ये सब कुछ कैसे कर लिया। रोमन्स ने जेसिस का कत्ल किया यरूशलम में, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया, लेकिन बिलाखिर एक वक्त वो आया कि उन्होंने क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो रोमन कैथोलिक कहलाए। तो ये तो थी एक मुख्तसर सी तारीख। इस वक्त मकसद है कि डैरन कोयो अंडरग्राउंड सिटी क्यों वजूद में आया और इसको वजूद में लाने वाले कौन थे। आइए डैरन कोयो चलते हैं। कैपाडोकिया का मौसम जो है गैर इत्मीनान बख्श है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि मौसम किस वक्त क्या करवट बदल लेगा। इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं और टेम्परेचर -1 है और बर्फ़बारी इतनी तेज़ हो रही है। ये हम गाड़ी में बैठे हैं और आप ये देख सकते हैं ये क्या सूरत हाल हो रही है। इंतहाए दिलफरेब मंजर। कैपाडोकिया सिटी में हम मौजूद हैं और ये इस मौसम में बाहर नहीं निकला जा सकता। मैं जा रहा हूँ कैपाडोकिया से थोड़े से फासले पे है अंडरग्राउंड सिटी में, और सुबह से मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है। किसी वक्त हल्की सी बारिश शुरू होती है, फिर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। खासी तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी पीछे, तो अभी हमने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी थी बर्फ़ कुछ थम जाए तो हम आगे बढ़ें। तो बर्फ़बारी कुछ थमी है, लेकिन खासी बर्फ़ जमा हो चुकी है और हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है। ये है वो अंडरग्राउंड सिटी जिसके लिए कहा जाता है कि तकरीबन 2000 साल पहले ये शहर बसाया था। और ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 30,000 अफराद जो है इसमें क़याम कर सकते हैं। ना सिर्फ अफराद बल्कि उनके जो माल मवेशी थे उन मवेशियों को भी रखने का इंतज़ाम था इसमें, और उनका जो फॉडर था चारा मवेशियों का चारा वो भी यहाँ पे उनको रखने के लिए यहाँ पे जगह थी। और इसमें ना सिर्फ ये कि उनके रिहाइश के लिए रूम्स हैं और उनके खाना पकाने के लिए किचन है, तो ये सारी सहूलियात इस शहर में मौजूद हैं। रोशनी और हवा के लिए ऊपर इस किस्म की चिमनियाँ बनाई गई हैं कि जहाँ से रोशनी और हवा इसके अंदर दाखिल होती है। और यहाँ पे आने के बाद हमको कतन एहसास नहीं हो रहा कि हम ज़ेर ज़मीन किसी इलाके के अंदर हैं। तो
अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, ये एक पहला फर्स्ट फ्लोर है, ये ऐसे 7 फ्लोर है और है जिस पे जाना है। ये इंसानी आकल को दंग कर देने वाली एक नया मुकाम है जहाँ मैं पहुँचा हूँ। ये इसी तरह से गार है, यूं सुरंग की सूरत में चलती चली जा रही हैं ये। माई गॉड, ये कुएं बनाए हैं ताकि पानी लेने के लिए भी ऊपर ना जाना पड़े और वो दुश्मनों की नज़र में ना आए। तो ये कुएं भी यहीं पे खोदे गए हैं और ये उनको यहीं से पानी का इस्तेमाल होता था। या ये सुर्ख एरो का निशान बता रहा है कि आपने यहाँ से दाखिल होना है, इसी डायरेक्शन में आपने आगे का सफ़र करना है। ये mechanism to keep the city against enemies. They have big round shape rock here, and the rock can be moved like this easily and block the gate entry. Then the stone door. Yeah, the other people don't understand what is more. Back. And it's very narrow, only one person can pass. Yeah. So easily you fight, nobody can enter easily. Because very narrow, you see. Just put one sword. बहुत बहुत ही ये एक तंग सी जगह है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जैसे गुजर सकता है। और इसके बाहर के गेट के ऊपर एक हिदायत दी गई है कि अगर कोई मरीज जो हार्ट का पेशेंट हो या जिसका ब्लड प्रेशर का कोई इशू है वो इसके अंदर ना जाए। मुझे नहीं अंदाजा हो रहा कि हम कौन से फ्लोर पे पहुंच चुका हूं। I show you this. You can put your camera like this. People understand something. Somebody is there. You see more down pipe. ये कुआं है गालिबन जो पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी छत के ऊपर ये इन्होंने एक रोशनदान बनाया है जिससे हवा और रोशनी का यहाँ पे दाखिला हो रहा है। और ये बहुत बड़ी सहूलत है, ये यानी कि पूरी 7 मंजिला जो अंडरग्राउंड सिटी है उसको एयर फीड कर रहा है ये, और साथ साथ रोशनी भी फीड कर रहा है ये। ये एक टनल है और यहाँ से अब इसका इस टनल का एंट्री पॉइंट है ये। तो ये एरो का निशान दिया हुआ है, सुरख रंग के एरो का निशान है, और यहाँ से हमने नीचे उतरना है। ये भी एक नहायत ही तंग तारीख सी टनल है और इसमें नहायत झुक के चलना पड़ रहा है, लेकिन नहायत ठंडक है यहाँ पे। सर्दी यहाँ पे मजीद दो चंद हो चुकी है जो बाहर मौसम था। बहुत दुश्वार है यहाँ पे चलना, इसलिए कि ये बहुत ही तंग रास्ता है। कमर बिल्कुल मुड़ चुकी है और थक चुका हूँ मैं। बस ये दिल चाह रहा है कि बस रास्ते की जगह मिल जाए ताकि मैं सीधा खड़ा होकर अपनी कमर को सीधा कर सकूँ मैं। या अल्लाह, ओह माय गॉड, ये चर्च है, ये चर्च है, चर्च का इलाका है ये, और ये खासा कुशादा है, ये खासा कुशादा है, और यहाँ पे आके कमर सीधी हुई है हमारी। ओह माय गॉड, मज़ा Yok, ben merak etmiyorum. Olsun. Mezarlığı
यहाँ पे कब्रें हैं, ग्रेव्स हैं ये, और ये फिर अगेन इंतहाई मुश्किल रास्ता, इंतहाई मुश्किल रास्ता. हाउ यू फील दिस प्लेस? I'm very nice. Yeah. It's very amazing. I'm from Turkey, my country. I am very excited placing and in the world. Yeah. Very very special plane, special lines, special build. Exciting. Unbelievable. Unbelievable. No yes. doubt. Have you seen him before? No, I'm first. First time you are visiting this place. Okay. Bye-bye. Thank you. So they think this one also. When they build yeah. the city down, they don't forget the ventilation. They say, oh, without air, what will we do? Yeah. ये अंडरग्राउंड सिटी का ये कौन सा फ्लोर है मुझे नहीं पता चल पा रहा. बहुत थक चुके हैं, कमर ऑलमोस्ट बिल्कुल बैन हो चुकी है. या देयर इज नो वे. अब यहाँ से वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है जाने का. ये ओह माय गॉड, उतर तो चिकित्सक हो क्या? यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम तुर्की. हाँ, योर नेम? माय नेम इज सीरान. एंड यू? माय नेम इज सरकान. सरकान, हाउ यू फील हियर to visit this place? Yes, it's very incredible places for underground city, and we are from Turkey, we are Turkish, but it's the first time, it's incredible because experience for us. Yeah. Everyone the Pakistan, right? Yeah. You're from every Pakistan civilizations visited here from the Turkey. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay. मौसम इतना ठंडा है कि मुंह से भाप निकल रही है, लेकिन जिस्म में एक आग सी लग गई है. ओह माय गॉड, हाँ शायद ज़िंदगी में इतनी मशक्क़त नहीं की होगी. उसका सबब यह है कि रुकू से भी नीचे की हालत में तो ऊपर चढ़ना पड़ता है. उसका रुख ऊपर की जानिब है और बिल्कुल रुकू की हालत है. ऐसी हालत में ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो सकेगा. हाँ, और कुछ जगहें तो इतनी ज़्यादा तंग हैं कि एक आदमी से ज़्यादा उसको पास नहीं कर सकते. अगर कोई ऊपर से उतर रहा है तो या तो उसको वापस जाना पड़ेगा कहीं किसी रेस्ट एरिया में, या जो नीचे से जा रहा है ऊपर उसको रास्ता देने के लिए नीचे आना पड़ेगा. बहरहाल अभी दो फ्लोर बाकी हैं मेरे, और थकन से हालत बहुत ख़राब हो गई है. Hello. How are you? I'm fine. Hi. You are from? From Russia. How you feel this place? It's cool place. It's very big city in near in on the ground. Uh-huh. It's cool place. Have you seen before like this place anywhere? No. Cave maybe. Not buildings in on the ground. What is your physical condition right now? A little bit tired, but cool. Yes. Okay. Okay, goodbye. Thank you. Bye. Bye. Have a nice trip. And you.